बिहार के मुख्यमंत्री माफ कीजिएगा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी बिहार शरीफ पहुंचे, जहां उन्होंने परिसदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमने कसम खाई थी कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का साथ नहीं छोड़ेंगे, मगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद हमें अलग कर दिया, जिससे हमारी कसम की मान रह गई। वहीं उन्होंने कहा कि हम पार्टी के अगले कदम का फैसला 18 जून को करेंगे। जीतन राम मांझी ने बताया कि मैं कभी भी महागठबंधन में नहीं था, मैं नीतीश कुमार के साथ था, पर नीतीश कुमार ने साफ कह दिया कि या तो जनता दल यू में मिल जाए या बाहर चले जाए। चलने का काम किया और 13 तारीख तक चलते रहे। इसी बीच में जो चुनाव अभी हुआ 2020 में, जिसमें हम 4 विधायक चुन के आए और एक MLC भी हैं जो मंत्री थे संतोष कुमार, सब लोगों ने शिकायत लगभग की थी, देखिए हम लोगों का काम नहीं हो रहा। तो हमने बहुत पहले से प्रयास किया था कि सब विधायक मिल करके माननीय मंत्री से बात करते हैं। तो उस बात को हम लोग 7 तारीख को, ऐसा समय आया 7 जून को कि माननीय मुख्यमंत्री ने समय दिया मिलने के लिए, और हम 4 विधायक और 1 पार्षद सभी गए वहां पर मिले। तो मिलने के संदर्भ था कि सभी के जो क्षेत्र हैं चुनाव क्षेत्र, तो कुछ विकास के काम थे, कुछ ट्रांसफर पोस्टिंग के मामला थे, सब